दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा कैसे जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी औरत या फिर दुनिया की कोई भी लड़की आपके ऊपर विश्वास करे, आपके ऊपर भरोसा करे, आपने अगर उसको कोई भी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, तो उस बात के ऊपर वो औरत या फिर वो लड़की 1% भी डाउट ना लेकर आपके साथ, मतलब आपके ऊपर एकदम आग बंद करके विश्वास करे कि ये जो बंदा बोल रहा है ना वो एकदम सही है, इसके ऊपर डाउट मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आग बंद करके अगर आपको लगता है कि कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की आपके ऊपर भरोसा करे, तो आज का वीडियो आप दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आज जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, तो मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता सकता हूं कि दुनिया की कोई भी औरत या फिर दुनिया की कोई भी लड़की आपके ऊपर आग बंद करके विश्वास करेगी। जी हां दोस्तों, पर दोस्तों आपको आज का वीडियो देखना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले प्रकार की जो स्टेप है, जो स्टेप को आपको फॉलो करना है, और दोस्तों क्या है कि छोटे छोटे प्रॉमिस पूरे करो। जी हां दोस्तों, छोटे छोटे प्रॉमिस पूरे करो और छोटे छोटे प्रॉमिस कभी भी ना तोड़ो। यानी कि दोस्तों छोटे छोटे प्रॉमिस क्या होते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रॉमिस कभी ना कभी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर किसी भी औरत को बोला कि कल मैं तुमको 10 बजे इसी जगह पर मिलूंगा, तो आप ठीक 10 बजे उसी जगह पर उस औरत से मिलो। अगर आपने किसी भी औरत को ऐसा बोला आज शाम को 7 बजे मैं तुमको कॉल करूंगा, तो ठीक 7 बजे उसको कॉल करो ही करो। अगर आपने 7 बजे कॉल नहीं किया या फिर अगर आपने वहाँ पर, यानी कि आपको इस जगह पर उस औरत के साथ मतलब जाना था, उस जगह पर आप उसी टाइम पर नहीं गए, तो उस औरत को लगेगा कि ये बंदा प्रॉमिस को पूरा बिल्कुल भी नहीं करता। यानी कि इसने मुझे टाइम दिया था कि ये बंदा मुझे शाम को 7 बजे कॉल करेगा, तो इसने मुझे शाम को 7 बजे कॉल नहीं किया। यानी कि उसका दोस्तों, उस औरत का जाने या फिर अनजाने में आपके ऊपर विश्वास कम हो जाएगा, ये दोस्तों सच्चाई है। तो इसलिए दोस्तों छोटे छोटे प्रॉमिस पूरे करो। अगर आप छोटे छोटे प्रॉमिस दोस्तों पूरे करोगे ना, तो औरत का विश्वास आपके ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और दोस्तों नंबर 2, जो दूसरी प्रकार की जो स्टेप है, और दोस्तों क्या है कि जहाँ पर आपका फ़ायदा हो उसी जगह पर आप कभी भी झूठ मत बोलो, और उसी जगह पर आप सच बोलो। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसका मैं आपको एक मतलब अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी इंसान की साड़ी की दुकान है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि साड़ी की दुकान किसी भी व्यक्ति की है, और उस व्यक्ति की दुकान पर कोई भी औरत जाती है और उस औरत को 2 प्रकार की साड़ियाँ पसंद है। मतलब जो फर्स्ट वाली जो साड़ी है उसकी प्राइस है 20,000, और सेकेंड वाली जो साड़ी है और दोस्तों उसकी प्राइस है 15,000। अगर उस औरत ने उस सेल्समैन को बोला कि मुझे तो ये दोनों साड़ियाँ पसंद है, यानी कि फर्स्ट की प्राइस है 20,000 और सेकेंड की प्राइस है 15,000, और औरत ने उसको ऐसा बोला कि मुझे ये दोनों भी साड़ियाँ पसंद है, पर आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी है और इनमें से कौन सी मुझे ज़्यादातर लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, एकदम दोस्तों आप ध्यान से सुनो कि उस सेल्समैन का फ़ायदा है अगर उसने उसको ऐसा बोला कि ये 20,000 की साड़ी आपके ऊपर सूट करेगी, पर उसी जगह पर अगर उस सेल्समैन ने उस औरत को ऐसा बोला कि देखिए मैडम, ये मतलब अगर आप देखोगी ना, तो ये जो दोनों भी साड़ियाँ है, पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये जो 15,000 वाली साड़ी है ना वो आपके ऊपर ज़्यादा सूट करेगी, और अगर आप ये साड़ी को पहनोगी ना तो वो आपके ऊपर ज़्यादा मैच करेगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक 15,000 की साड़ी लो। दोस्तों उसी जगह पर उस औरत का विश्वास उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस औरत को लगेगा कि इस बंदे ने खुद का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देखा, और इसने मुझे जो मेरे लिए अच्छा है उस चीज़ को बताया। और उसके बाद अगर उस सेल्समैन ने उसको 30,000 की भी साड़ी दोस्तों बेचने का ट्राई किया ना, तो आग बंद करके, यानी कि आग बंद करके विश्वास करके वो 30,000 की साड़ी भी दोस्तों खरीद लेगी। ये दोस्तों फैक्ट है। और दोस्तों तीसरे प्रकार का जो मतलब रूल है या फिर तीसरे प्रकार का जो स्टेप है, और दोस्तों कौन सा है कि दोस्तों
अपने जिंदगी में कभी भी दूसरों पे सीक्रेट लीक मत करो। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति ने, अगर किसी भी इंसान ने आपको कोई भी उसका सीक्रेट बताया कि ऐसी ऐसी बात है भाई, इस बात को तुम किसी भी व्यक्ति को मत बताना, तो उस बात को दोस्तों आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को मत बताओ। क्योंकि जो इंसान आपके ऊपर छोटा भरोसा करता है, वो इंसान कल जाकर आपके ऊपर बड़ा भरोसा भी कर सकता है। पर अगर आप उसका छोटा भरोसा तोड़ोगे तो वो जिंदगी में कभी भी आपके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करेगा, और उल्टा 10 लोगों को जाकर बताएगा कि इस बंदे ने मुझे ऐसा ऐसा धोखा दिया, इसको मैंने बताया था कि इस बात को किसी भी व्यक्ति को मत बता, फिर भी इस बंदे ने मतलब सभी को इस बात को बताया। तो इसलिए दोस्तों वो इंसान आपके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेगा और उसका आपके ऊपर भरोसा कम होता जाएगा। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको 3 प्रकार के स्टेप बताए ना, उन स्टेप को आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया की कोई भी औरत या फिर दुनिया की कोई भी लड़की आपके ऊपर आग बंद करके विश्वास करेगी। आप जो उसको बोलोगे उस बात को वो सच मानेगी। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो मैंने आपको बताया आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।